महमूद अली 19 सितंबर 1932 23 जुलाई 2004। आमतौर पर महमूद एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। हिंदी फिल्मों में उनके हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए जाने और सराहे गए। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। महमूद अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज अली के 9 बच्चों में से एक थे। जुलाई 23 2004 को अमेरिका में पेंसिल्वेनिया शहर में निधन ही गुजर गए। वे वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे। पिछले वर्षों में उनकी सेहत बहुत खराब रहती थी। महमूद का जन्म 19 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अपने माता पिता की 8 में से दूसरे नवंबर की संतान महमूद ने शुरुआत में बाल कलाकार के तौर पर कुछ फिल्मों में काम किया। उनकी भाषा में हैदराबादी जुबान का पुट दर्शकों को बेहद पसंद आया और उनकी स्वाद अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने जल्द ही करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद ने जिस वक्त फिल्मों में गंभीरता से लेना शुरू किया तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छा गया। लेखक मनमोहन मैनवीले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्सों को बयान किया। इसमें कहा गया कि महमूद ने अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा था कि वह ऐसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती देने का मुद्दा रखता है। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा, एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात पे पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी से यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में महमूद का स्वास्थ्य खराब हो गया। वह इलाज के लिए अमेरिका गए जहां 23 जुलाई 2004 को उनका निधन हो गया। महमूद ने अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की थी।